हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस बीएसआर अड्डा पे। तो दोस्तों, हम डेली का करेंट अफेयर लेकर आ रहे थे और एक दो दिन से गैप हो गया क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे। तो आज से आपका वीडियो जो है आपका रेगुलर आएगा। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। हर सफर में हम सफर नहीं होते, हर सफर में हम सफर नहीं होते। तो दोस्तों, चलिए आज का शुरुआत करते हैं करंट अफेयर का। तो भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। जो भारत है वो एशियाई आपदा है उसकी तैयारी आपदा केंद्र है, तो यह आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। इसके बारे में देखते हैं कि भारत ने 2024 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC का अध्यक्ष पद हासिल किया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य और HOD राजेंद्र सिंह ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है। यहां से सवाल आ सकता है कि NDMA का कार्यभार किसने संभाला अध्यक्ष का, तो सर ये है आपके राजेंद्र सिंह। ये मुख्य बिंदु है, इसको आप याद रख ले। कहां पर आयोजित हुआ था, तो सर ये आपका कहां पर हुआ है, तो थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक है, बैंकॉक की राजधानी, जो बैंकॉक है राजधानी किसकी, थाईलैंड की, वहां पे हुआ था। अब तक इस संगठन के अध्यक्षता पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर रहा था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर आपदा प्रतिरोध अवसंरचना गठबंधन की स्थापना के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें आपको दो बिंदु याद रखना है कि पहली बात आयोजित कहां पर हुआ है, तो थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में। इसके अध्यक्ष के रूप में कौन थे, तो राजेंद्र सिंह थे। फिल्मकार शेखर कपूर बने IFFI महोत्सव के निदेशक। यह मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूं। शेखर कपूर जिन्हें मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन और एलिजाबेथ जैसी फिल्मों के लिए ये फेमस है, ठीक है, फिल्मों के लिए जाना जाता है, को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया। मतलब जो फिल्म महोत्सव जो होने वाला है उसका क्या, तो एज ए डायरेक्टर के तौर पे इनको चुना गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की कि कपूर गोवा में हर साल आयोजित होने वाले इस महोत्सव के 55वें और 56वें संस्करण का नेतृत्व करेंगे। शेखर कपूर ने 1983 में पारिवारिक ड्रामा मासूम से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की। 1987 में मिस्टर इंडिया से उन्हें बड़ी पहचान मिली और 1994 में बैंडिट क्वीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सफलता हासिल की। इसमें से आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको बता दूं कि अभी जो 55वां और 56वां जो संस्करण होने वाला है किसका, तो भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, कहां पे, गोवा में, उसके नेतृत्व कौन करेंगे, तो शेखर कपूर करेंगे। शेखर कपूर की पहली मूवी कौन सी थी, जो ड्रामा थी, पारिवारिक ड्रामा, वो थी मासूम, ठीक है। और इन्होंने ख्याति कब इनको मिला है, तो मिस्टर इंडिया मूवी से मिला है, और इंटरनेशनल ख्याति किस मूवी से मिला है, तो बैंडिट क्वीन से मिला है। चलिए, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है। कांस्य, मैं आपको बता दूं कि मनु भाकर जो है ये इस बार भारत की पहली महिला है जिनको ये 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला है, ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। तो इसको तो ये तो समझ लो कि ये एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। और करेंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है कि आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैं SSC का कर रहा हूं, सर मैं रेलवे का कर रहा हूं, मेरे तो कोई मतलब नहीं। नहीं सर, करेंट अफेयर हर एग्जाम में आता है, चाहे आपका UPSC हो, चाहे स्टेट PCS हो, चाहे SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर एग्जाम में आता है सर, ठीक है। और नहीं तो आप डेली करेंट अफेयर इसलिए भी आप पढ़ा करो या देखा करो, सुना करो, ताकि आप इससे पता लगेगा कि दिन दुनिया में चल क्या रहा। ऐसे आप मौन नहीं रहोगे, आपको पता रहेगा कि हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो आपको इसकी जानकारी रहती है, ठीक है। तो मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का पहला पदक है और लंदन 2012 ओलंपिक के बाद से निशानेबाजी में पहला ओलंपिक पदक है। मनु भाकर ने क्वालिफिकेशन राउंड में 580 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और फाइनल में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। स्वर्ण और रजत पदक दक्षिण कोरिया यो ये जिन और किम येजी ने जीते। देखो इसमें से आपको क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट
चलो मैं लिख देता हूं, गोल्ड किनको मिला है, तो यो ये जेन इनको मिला है। सिल्वर किनको मिला है, तो ये मिला है किम येजी, किम येजी को मिला है। और ब्रोंज किसको मिला है, तो ये बस कोई और नहीं बल्कि मनु भाकर को मिला है, ठीक है। ये और ये दोनों जो है, जो गोल्ड और सिल्वर गया है कहां गया है, साउथ कोरिया गया है, और जो ब्रोंज है वो इंडिया में आया है। श्रीलंका ने पहली बार जीता एशिया कप का खिताब। श्रीलंका ने विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बनाए। स्मृति मंदाना ने 47 गेंदों पर 60 रन बनाए। ऋचा घोष ने 30 और जेमिमा रोड्रिग्स ने 29 रन बनाए। श्रीलंका की गेंदबाजी में कविसा दिलहारी ने 2 विकेट लिए। जवाब में श्रीलंका ने 18.4 ओवर में 2 विकेट पर 167 रन बनाकर मैच जीत लिया। कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने 61 रन बनाए और हर्षिता समर विक्रमा ने 69 रन की नाबाद पारी खेली। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण और उनकी घटती प्रजातियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह दिवस बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा और बाघ संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बाघ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी घटती संख्या एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है। आपको याद रखना है कि हर साल ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में रविंद्र कुमार कुंडू को नियुक्त किया। आज शाम हुई निदेशक मंडल की बैठक में श्री रविंद्र कुमार कुंडू को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 7 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी और 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी। श्री कुंडू जनवरी 2020 से कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उनके नेतृत्व में कंपनी की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां वित्त वर्ष 2020 में 67,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 1,53,000 करोड़ रुपए हो गई है। इस अवधि में कर से पहले लाभ 1,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,500 करोड़ रुपए हो गए हैं। सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका गठन 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के नाम से हुआ था, जिसका उद्देश्य भारतीय रियासतों की सुरक्षा प्रदान करना था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। इसका स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है, जो बल के इतिहास और योगदान का सम्मान करता है। सीआरपीएफ देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आंतरिक जैसे नक्सली लोग से निपटना हो, तो इन सब के लिए जो है वो आपका सीआरपीएफ को यूज किया जाता है। और मैं बता दूं कि कर्मा हमेशा ये कहता है कि आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मेरा विश्वास करो, वह समय जरूर आएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हाल ही में देश विदेश के प्रमुख चिकित्सा हस्तियों और चिकित्सकों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मधुमेह विज्ञान, देखभाल और अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह की चिकित्सकीय और शोध कार्यों की सराहना की गई। चलिए अगला शुरू होता है यहां से सवाल जवाब का कार्यक्रम। अभी तक हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे डिस्क्रिप्टिव में, अब थोड़ा सा मैं पेन का कलर भी बदल लेता हूं। पहला सवाल है, 2024-25 के लिए एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष किसने संभाला है? इसका जो अध्यक्षता है ये किसने संभाला है, तो इसके अध्यक्षता कौन संभाले हैं सर?
राजेंद्र सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ने कई वैश्विक पहल की है जिनमें आपदा रोधी अवसंरचना के लिए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन CDRI की स्थापना शामिल है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता संभाली है जो पहले चीन के पास थी। ADPC एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें भारत और 8 अन्य देश शामिल हैं। अगला सवाल है, कोरामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? अभी आपको बताए थे रविंद्र कुमार कुंडू। भाजपा के मिसाल मैन के रूप में किसे माना जाता है? भारत के मिसाल मैन के रूप में किसे माना जाता है? तो सबको पता है सर, APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे भारत का मिसाल मैन कहा जाता है, भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी विरासत के प्रमुख प्रतीक है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आगे की पढ़ाई के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने SLV-3 और IGMDP के तहत अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का विकास किया, इसलिए इनको मिसाइल मैन बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस तारीख को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 85वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया? तो सर 27 जुलाई को। कब सर? 27 जुलाई को। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1939 को हुई थी। 2024 में महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो सर श्रीलंका ने जीता है। नेक्स्ट है, पूर्व भाजपा सांसद मास्टर मथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे? तमिलनाडु। किस राज्य का सर? तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला सवाल है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता दूं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता और नीलगिरी के पूर्व सांसद एम मास्टर मथन, शुक्रवार रात 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। मथन का निधन कोयम्बटूर स्थित उनके आवास पर आयु संबंधित बीमारियों के कारण हुआ। वे नीलगिरी जिले के बडगा समुदाय के प्रमुख नेता थे। मथन के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मथन के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनकी समाज सेवा और भाजपा में योगदान की सराहना की। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो सर हर साल जो मनाया जाता है ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। यहां पे लिख देता हूं 29 जुलाई हर साल कब मनाया जाता है? सर 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानाबाज कौन है? तो सर ये मनु भाकर है। कौन है सर? मनु भाकर है। थोड़ा सा मैं पेन बदल लेता हूं ताकि अच्छा रहेगा। मनु भाकर ने पेरिस 2024 में ओलंपिक में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। यह पेरिस 2024 में भारत का पहला ओलंपिक पदक है और लंदन 2012 के बाद से निशानेबाजी में पहला ओलंपिक पदक, यानी कि 2012 के बाद 2024 में, समझ रहे हो, 12 साल बाद, 12 ईयर्स बाद निशानेबाजी में पदक आया है। मनु ने क्वालिफिकेशन राउंड में 580 का स्कोर किया और फाइनल में कांस्य पदक अपने नाम किया। स्वर्ण और रजत पदक दक्षिण कोरिया की ओ ये इन और किम येजी ने जीते। मनु भाकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। चलिए अब थोड़ा सा वन लाइनर है, इसको देख लेते हैं। 2024-25 के लिए एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो है सर आपके राजेंद्र सिंह। कौन है सर? राजेंद्र सिंह है। पेन का कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं क्योंकि रेड चल रहा है, तो थोड़ा सा लग ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं इसमें, है ना। चोरामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सर? तो रविंद्र कुमार कुंडू। किनको? RK कुंडू, रविंद्र कुमार कुंडू। भारत के मिसाल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो हर कोई जानता है सर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किस तारीख को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 85वें
स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया तो सर ये 27 जुलाई को। इसके पहले बार कब स्थापना हुआ था तो 27 जुलाई 1939 को। नेक्स्ट 2024 में महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता है सर, तो ये आपका श्रीलंका ने जीता है। पूर्व भाजपा सांसद मास्टर मंथन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे, तो सर ये तमिलनाडु का करते थे। देखो ये सब सारा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो सर ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज कौन बनी है, तो सर इनका नाम हर कोई जानता है, मनु भाकर। कौन है सर ये, मनु भाकर। ये था सर आपका आज का करंट अफेयर, ठीक है। तो डेली ऐसे आपका कंटिन्यू करंट अफेयर आता रहेगा, तो आप अपना तैयारी जो है जारी रखें बिल्कुल, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप जिंदगी में जो है एकदम आगे बढ़ना ही बढ़ना है। सोच लो कि बस इस बार 2024 में एक सीट भैया कंफर्म कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर चली जाए, आपको कुछ नहीं टेंशन लेना है, ठीक है। बाबा भोलेनाथ का नाम लो, जिंदगी में आगे बढ़ो, बस कुछ भी हो जिंदगी में, बस बाबा भोलेनाथ है ना, बस मैंने बर्दाश्त कर ली अपने हिस्से में आई हर तकलीफ को, मैंने बर्दाश्त कर ली अपने हिस्से में आई हर तकलीफ को, अब तुम मेरे बाबा फैसले का इंतजार करो, अब तुम मेरे बाबा फैसले का इंतजार करो, हर हर महादेव हर हर महादेव। चलिए, अगर आपको फ्री का पीडीएफ चाहिए, चाहते हैं कि एक रुपया खर्च नहीं करें, हमको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीएसआर अड्डा का एप्लीकेशन है, वीएसआर अड्डा एप्लीकेशन, आपको जाके क्या करना सर, इसको बस डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर में जाना, वहां से डाउनलोड करना, आपको वहां पे डेली का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। अगर तब और हमारा व्हाट्सएप चैनल है 9521514276, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर भी है, आप इस पे कॉल करना या फिर आप इस पे मैसेज करना, ठीक है, तो आपको यहां पे भी फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और यार बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए ठीक है, जय हिंद।